हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने ही चैनल टाइगर फैंटेसी पर। तो यहाँ पर इस वीडियो आप देख रहे हैं आईपीएल 2022 का जो 56 मैच खेला जाने वाला है मुंबई इंडियंस वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में, यहाँ पर डीवाई पटेल स्टेडियम मुंबई पर उसका मैच प्रीव्यू। तो इस वीडियो में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट के बारे में डिटेल में प्रीव्यू मिलेंगे, तो एक बार वो देख लीजिए। सबसे पहले पिच रिपोर्ट, उसके साथ हेड टू स्टैट्स यहाँ पर क्या रहने वाला है, दोनों टीम का प्रोबेबल प्लेइंग एक्साई क्या रहने वाला है, उसके साथ यहाँ पर प्लेयर बैटल्स कैसा रहेंगे, कौन कौन से प्लेयर यहाँ पर कौन कौन से प्लेयर के सामने फंसते हैं, स्ट्रगल है, साथ में यहाँ पर फैंटेसी टिप्स रहेंगे, उसके साथ स्मॉल लीग के कैप्टनशिप और वाइस कैप्टनशिप चॉइस, उसके साथ ग्रैंड लीग पिक्स, तो सारे बात हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप चलिए यहाँ पर वीडियो को शुरू से लेकर तक पूरा देखिए, ताकि यहाँ पर हम जो समझाने वाले हैं आपको एक एक बात आपको डिटेल में समझ आए और आप एक अच्छी टीम बना सके। साथ में यहाँ पर देखिए, अगर आपको फाइनल टीम चाहिए जिस टीम के साथ हम लगातार विनिंग कर रहा है, अगर वो टीम आपको चाहिए तो आप अभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर हमने फाइनल टीम दे देते हैं टॉस के बाद। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए आप पहले टेलीग्राम पर जाइए, वहाँ पर @targetfantasy लिख के सर्च कीजिए, 175 प्लस सब्सक्राइबर वाला एक चैनल आपको देखने को मिलेंगे, वो चैनल को आप ज्वाइन बटन पर क्लिक कीजिए, ऐसे करके आपको ज्वाइन कर लेना है। अगर आपको लिंक चाहिए तो आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन पर चले जाइए, वहाँ पर आपको लिंक भी मिल जाएंगे, तो लिंक के ऊपर एक बार क्लिक करके आसानी के साथ वहाँ पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर वीडियो की तरफ मैच की तरफ देख लेते हैं। डीवाई पटेल स्टेडियम मुंबई पर ये वेन्यू पर ये मैच खेला जाएगा। देखिए पिच रिपोर्ट की बात करते हैं, अभी कल शाम को 7:30 बजे ये मैच खेला जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए लीग स्टेज का जो 70 आईपीएल का मैचेस खेला जाएगा, तो वहाँ पर एक एक ग्राउंड्स पर 5 पिचेस रहता है, लेकिन कौन सी पिच पर मैच हो रहा है ये बात आपको टॉस के 5 या 7 मिनट पहले पता लगेगा, जैसे कि पिच रिपोर्ट आप उसको कह सकते हैं, वहाँ पर ही बता दिया जाता है। तो देखिए टॉस के 5 मिनट पहले यहाँ पर वीडियो बनाना तो पॉसिबल नहीं होता, तो इसलिए हम जो सारे अपडेट्स मैच से पहले आते हैं वीडियो बनाने के बाद वो हम आपको टेलीग्राम पर दे देते हैं, तो इसलिए आपको टेलीग्राम पर ज्वाइन होना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए यहाँ पर पिच रिपोर्ट कैसा रहने वाला है, रेड सॉइल का पिच रहने वाला है, गुड बाउंसी पिच होगा, साथ में यहाँ पर थोड़ा बहुत इक्वल बैलेंस प्रोवाइड किया जाता है, मतलब बैट्समैन को रन्स भी यहाँ पर मिलेंगे, साथ में पेसर्स को विकेट्स भी मिलेंगे। एवरेज स्कोर की बात करें 165 प्लस यहाँ पर एवरेज स्कोर रह सकता है, जैसा कि आज आपने देखा होगा हाई स्कोरिंग मैच रहा, सीएसके ने 200 प्लस रन किया, तो यहाँ पर अच्छा रन यहाँ पर स्कोर हो सकता है। देखिए लास्ट 15 मैचेस की बात करें, पेसर्स ने 125 विकेट और स्पिनर ने यहाँ पर 51 विकेट निकाला। पेसर्स ने देखिए एक तो पावर प्ले में डालते हैं, साथ में यहाँ पर डेथ में भी डालते हैं, तो इसलिए आपके लिए स्पेशल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस ग्राउंड पर। और लास्ट में यहाँ पर हाई स्कोरिंग रहा है, हमने आपको अभी बताया, और बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने यहाँ पर लास्ट 15 मैचों में 6 मैच जीता है, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ज़्यादा चेस होता है ये मान के चलिए, और ऐसे करके आप टीम बनाइए। हेड टू हेड स्टैट्स की बात करें तो यहाँ पर देख लीजिए मुंबई इंडियंस और केकेआर के बीच में अभी तक 30 मैच खेला गया है, उनमें से 22 बार जीता है मुंबई और कोलकाता जीता है 8 बार, मतलब हर तरीके से आप कह सकते हैं कि डोमिनेट कर रहा है मुंबई केकेआर के ऊपर। हालांकि लास्ट मैच में हार गए थे, लेकिन मतलब जीतने वाला मैच था, कमिंस ने यहां पर सैम्स को एक ओवर में 35 रन मार दिया था, तो ऐसा करके केकेआर वो मैच जीत लिया था। तो मेरे हिसाब से इस मैच को मुंबई को जीतना चाहिए, क्योंकि मुंबई लास्ट 2 मैच जीत के आ रहा है जहाँ पर केकेआर ने लास्ट मैच हार के आ रहा है, तो इसलिए मेरे हिसाब से मुंबई को ये मैच जीतना चाहिए क्योंकि अच्छे फॉर्म पर है। बात करते हैं मुंबई की प्रॉब्लम प्लेइंग सही, देखिए रोहित शर्मा ईशान किशन के साथ ओपनिंग करेंगे, नंबर 3 पर आएंगे सूर्य कुमार यादव, मोस्ट डिपेंडेबल प्लेयर ऑफ द स्क्वाड तिलक वर्मा, नंबर 4 पर, नंबर 5 पर कारण पोलार्ड, 6 नंबर पर टिम डेविड, नंबर 7 पर आ जाएंगे यहाँ पर डैनियल सैम्स, 8 नंबर पर आएंगे मुरुगन अश्विन, 9 नंबर पर यहाँ पर देखिए रायली मेरेडिथ, बुमराह आ जाएंगे नंबर 10 पर, और कुमार कार्तिकेय यहाँ पर आ जाएंगे नंबर 11 पर। तो देख लीजिए कौन कौन से प्लेयर यहाँ पर अच्छे परफॉर्म कर रहा है, आपके लिए स्मॉल लीग का मास्ट पिक रहना चाहिए। देखिए रोहित शर्मा है, लास्ट मैच में अच्छे स्कोर किया 40 प्लस, साथ में यहाँ पर ईशान किशन भी अच्छे स्कोर किया लास्ट मैच में, तो ये दोनों प्लेयर मास्ट पिक रहने वाले हैं। सूर्य कुमार लास्ट में भी हालांकि उतना अच्छा स्कोर नहीं किया, लेकिन मेरे हिसाब से इस मैच में अच्छा चल सकता है। तिलक वर्मा भी एक अच्छा पिक रहने वाला है आपके लिए, डैनियल सैम्स है, टिम डेविड आपके लिए ग्रैंड लीग का अच्छा प्लेयर रहने वाला है, लेकिन स्मॉल लीग पर उतना अच्छा नहीं रहने वाले, मुरुगन अश्विन और मेरेडिथ। देखिए बुमराह की बात हम तो मतलब लास्ट 6 मैचों में विकेटलेस जा रहा है, जसप्रीत बुमराह है एक बड़ी नाम क्रिकेट में, तो इसलिए आप इनको पिक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अगर ना भी चले तो भी कोई बात नहीं, इनको 50% प्लस वाला लोग ने पिक करके रखा है। तो देखिए यहाँ पर कोलकाता की प्रॉब्लम प्लेइंग से क्या रहने वाला है, एरन फिंच यहाँ पर बाबा इंद्रजीत के साथ ओपनिंग करके। देखिए केकेआर की जो बैटिंग ऑर्डर की बात करें कुछ ठीक ठाक नहीं रहा है, मतलब बहुत ही गड़बड़ हो रहा है, कभी फिंच के साथ वेंकटेशायर आ रहा है, कभी वेंकटेशायर के साथ सुनील नारायण आ रहा है, कभी यहाँ पर क्या हो रहा है नीतीश राणा भी ओपन करते
वे दे आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर मतलब कोई फिक्स बात नहीं है। नंबर तीन पर यहाँ पर एसएस है, एकदम फिक्स है अपने लिए, टीम के लिए कैप्टनसी भी कर रहा है, अच्छे फॉर्म पर है। नीतीश राणा चेसिंग के टाइम अच्छा कर सकता है। राशिद की बात करें, जो मैच में ये पॉइंट्स देंगे भर भर के देंगे, जैसे कि आप मान लीजिए 150+ पॉइंट्स ये दे सकता है जो मैच में ये परफॉर्म कर सकता है। जैसे कि लास्ट मैच में आपने देखा होगा 2 विकेट्स भी निकाले, साथ में 40+ रन भी बनाया, लेकिन उससे पहले एक ओवर भी नहीं बॉल डाला, साथ में बैटिंग भी नहीं आई। तो ऐसे करके रसल का चलता है। उसके बाद यहाँ पर नारायण, हर मैच में 4 ओवर बॉलिंग मिलेगी इनको मास्ट भी। रिंकू सिंह एक अच्छे फॉर्म पर है, ये आगे आ सकता है, रसल से पहले भी आ सकता है। अनुकुल राय, हर्षित राणा, टीम साउदी और शिवम्मा भी। तो यहाँ पर केकेआर की तरफ से, कोलकाता की तरफ से कौन कौन से प्लेयर आपके लिए मास्ट पिक रहना चाहिए एक बार देख लीजिए। श्रेयस अय्यर है, रसल है, नारायण है, साउदी है और यहाँ पर राणा को आप कह सकते हैं। तो ये 5 प्लेयर्स आपके लिए बहुत ही अच्छा पिक रहने वाले हैं। अभी ध्यान दे रहे हैं यहाँ पर प्लेयर्स बल की तरफ। देखिए रोहित शर्मा साउथ के सामने 9 बार फंस चुके हैं, अभी तक 9 बार आउट हो चुके हैं। वैसे भी आप मान लीजिए रोहित शर्मा ओपनिंग करने आएंगे, साथ में यहाँ पर साउदी पावर प्ले में बॉल डालेंगे, तो इसलिए ये मैचअप सबके लिए अच्छा हो सकता है। रसल की बात करें, बुमराह के सामने 3 बार आउट हुए हैं आईपीएल में। फिंच यहाँ पर बुमराह के सामने 4 बार आउट हुए हैं। तो बुमराह यहाँ पर हर तरीके से डोमिनेट करता है, लेकिन इस साल बुमराह की बहुत ही ऑफ फॉर्म चल रहा है, तो इसलिए थोड़ा फ्लॉप भी जा सकता है। फिंच की बात करें, मुर्गन अश्विन के सामने 2 बार आउट हो चुके हैं, मेडिथ के सामने 2 बार आउट हो चुके हैं। कहाँ पर? बीबीएल पर। रोहित शर्मा नारायण के सामने 11 बार आउट हो चुके हैं। देखिए ये तो आईपीएल और सारे टी20 स्टैट्स को मिला के हमने आपको बता रहा हूँ। उमेश यादव के सामने यहाँ पर 5 बार आउट हो चुके हैं। कहाँ पर? आईपीएल पर। रोहित शर्मा फिर से यहाँ पर देख लीजिए, माभी के सामने आउट हुए 2 बार आईपीएल पर। सूर्य कुमार यादव यहाँ पर रसल के सामने 2 बार आउट हो चुके हैं। पोलार्ड यहाँ पर रसल के सामने 4 बार आउट हो चुके हैं। तो यहाँ पर जो 10 प्लेयर्स मैचअप है, मतलब प्लेयर्स बैटल है, तो ये आपके लिए ग्रैंड लीग्स पर बहुत ही अच्छा इफेक्ट मतलब रखने वाले हैं। क्योंकि देखिए स्मॉल लीग पर तो आपको सेफ प्लेयर्स को लेना ही है, सेफ बॉलर्स को भी लेना है, सेफ बैट्समैन को भी लेना है, सेफ ऑलराउंडर्स को भी लेना है, क्योंकि स्मॉल लीग पर सभी लोग सेफ प्लेयर्स को लेकर ही आएंगे। जैसा कि हेड टू हेड और 3 मेंबर की बात कर रहे हैं हम, 4 मेंबर में कुछ अलग आप कर सकते हैं, रिस्की प्लेयर्स को ले सकते हो। लेकिन देखिए ग्रैंड लीग्स पर आपको ये मैचअप्स को दिमाग पर रखते हुए टीम बनाना चाहिए, क्योंकि देखिए ये आपके लिए बहुत ही काम आने वाला है। अभी देख लेते हैं फैंटेसी टिप्स। देखिए दोनों टिप्स का डेथ बॉलर्स को आप पिक कीजिए। जैसा कि आप केकर की तरफ से डेथ बॉलर देख लीजिए, एक तो है यहाँ पर टीम साउदी, शिवम अभी और आंध्र रसिल, ये 3 यहाँ पर डेथ में बॉलिंग कर सकते हैं। और मुंबई की बात करें, यहाँ पर रायली, मेरेडिथ, बुमराह और सैम्स, ये 3 डेथ में बॉलिंग कर सकते हैं। तो डेथ बॉलर्स को पिक कीजिए और उनको कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाइए। साथ में यहाँ पर 11 प्लेयर्स को लेकर अच्छा सा टीम बनाइए, फिर वहाँ पर से एक कैप्टन वाइस कैप्टन बनाइए, सेव करके कॉन्स्टेंट रख के उनको 1-2 प्लेयर्स को यहाँ से चेंजेस करते हुए आप ग्रैंड लीग का 20 कॉम्बिनेशन बनाकर ग्रैंड लीग खेल लेना। क्योंकि देखिए अभी ग्रैंड लीग में बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है, तो इसलिए आपके पास जितना कॉम्बिनेशन होगा उतना ही आपको फायदा मिलेगा। और मैच प्रेडिक्शन की बात करें, आपको पहले प्रेडिक्ट करना है कि हमारे मैच ऐसे जाने वाला है, तो ये प्लेयर्स यहाँ पर चलेंगे, ये प्लेयर्स थोड़ा सा अच्छा रन कर सकता है और ये प्लेयर्स थोड़ा अच्छा विकेट निकल सकता है। तो वैसे करके आपको थोड़ा सा प्रेडिक्ट करना है, फिर जाके आपको एक टीम बनाना है, अच्छी टीम बन जाएगी तब। स्मॉल की जो सेफ कैप्टनशिप वाइस कैप्टन चॉइस है उसकी तरफ देख लीजिए, रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव और रसल। यहाँ पर आप ईशान किशन को भी कंसीडर कर सकते हो, लेकिन फिलहाल हमने ये 4 को ही यहाँ पर पिक किया। ग्रैंड लीग पिक्स में देखिए, सुनील नारायण है, टीम डेविड है, तिलक वर्मा है, नीतीश राणा है, रन फिंच है। तो ये 5 प्लेयर्स आपके लिए ग्रैंड लीग में अच्छे चॉइस हो सकते हैं। तो ये गेस्ट एनालिसिस की बात, स्टार्स एनालिसिस की बात, अभी चलते हैं डीमन की तरफ। वहाँ पर हमने एक डेमो टीम बनाकर आपको दिखाएंगे, लेकिन वो सिर्फ डेमो और परसेंटेज के ऊपर बनाया गया हुआ टीम रहने वाला है। लेकिन फाइनल टीम आपको मिलेगी कहाँ पर? हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। आप जाइए अभी के अभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलते हैं डीम की तरफ। विकेट कीपर ऑप्शन पर हमारे टीम पर रहने वाले ईशान किशन, बाबा इंद्रजीत को आप ग्रैंड लिस्ट पर ट्राई कर लेना। बैटिंग ऑप्शन पर रहने वाले सूर्य कुमार यादव, श्रेयस अय्यर, रोहित शर्मा, उसके साथ यहाँ पर नीतीश राणा रहने वाला है फिलहाल हमारे टीम पर। नहीं तो अभी यहाँ पर नीतीश राणा को ड्रॉप करके और एक प्लेयर के साथ और एक बॉलर्स के साथ भी जा सकते हो। ऑलराउंडर ऑप्शन पर हमारे टीम पर रहने वाले सुनील नारायण, आंध्र रसिल और डेनियल सैम्स, जो टॉप 3 ऑप्शन है उनको हमने हमारा टीम पर ले लिया है। टीम साउदी, मुर्गन अश्विन और उसके साथ यहाँ पर रहने वाले हैं रायली मेरेडिथ। यहाँ पर कंटिन्यू करके आपको कैप्टन वाइस कैप्टन बनाकर दिखा देता हूँ, देख लीजिए। फिलहाल हमारे जो सेफ कैप्टन है रसिल और यहाँ पर सेफ वाइस कैप्टन है ईशान किशन। सेफ करके आपको एक बार प्रीव्यू दिखा देता हूँ, देख लीजिए। फिलहाल हमारे टीम पर है ईशान किशन, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, श्रेयस अय्यर, नीतीश राणा। ऑलराउंडर में हमने पिक करके रखा है सुनील नारायण, आंध्र रसिल, डेनियल सैम्स को। और टीम साउदी, मुर्गन अश्विन, रायली मेरेडिथ है यहाँ पर। कहाँ पर? बॉलिंग ऑप्शन पर।
तो फिलहाल ये रहेगा हमारा डेमो टीम और इनमें से कैप्टन रहेगा हमारा अंदर रसेल जो बिल्कुल सेफ है और वाइस कैप्टन रहेगा ईशान किशन। अगर आपको गैनलिस्ट पर थोड़ा सा अलग जाना है तो यहाँ से श्रेयस अय्यर, नीतीश राणा, श्रेसर भी एक सेफ है, सुनील नारायण, टीम साउदी, डेनियल सब्स, इनके साथ आप बिल्कुल एज ए कैप्टन और वाइस कैप्टन जा सकते हो गैनलिक्स पर। तभी आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पर कॉम्बिनेशन को उतना ज़्यादा चेंजेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए आप दो तरीके से चेंजेस कर सकते हो, एक तो प्लेयर्स के ऊपर रिस्क लेके रोटेशन कीजिए और दूसरा कैप्टन और वाइस कैप्टन के ऊपर रिस्क लेके रोटेशन कीजिए। देखिए ज़्यादा लॉजिकल मतलब लॉजिक से बाहर टीम बनाना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। बहुत लोग ये कह सकते हैं कि गैनलिक्स पर सिर्फ लाख ही काम आता है। देखिए लाख तो ऑब्वियसली आपको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि 80 लाख प्लस टीम में आपको एक नंबर आना है तो आपको लाख का फेवर करना ही है। सिर्फ आप स्किल के साथ यहाँ पर नहीं जी सकते, जैसे कि स्मॉल लीग में आपको क्या करना है, 3 से 4 मेंबर्स में से कंपटीशन करना है तो आपको वहाँ पर लेस कंपटीशन मिलेंगे, लेकिन गैनलिक्स पर आपको ज़्यादा कंपटीशन करके जीतना पड़ेगा, तो इसलिए आपको थोड़ा सा अलग अलग कॉम्बिनेशन पर जाना पड़ेगा। तो फिलहाल ये रहेगा हमारा स्मॉल लीग का डेमो टीम। फाइनल टीम आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप जाइए वहाँ पर लिंक में क्लिक करके तुरंत ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो यहाँ पर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो यहाँ पर सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि आने वाले सारे वीडियो सब आप तक पहले मिल जाए। और अब अच्छा सा विनिंग कीजिए, अच्छा सा टीम बनाए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।